हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस देखिए, मेरी बड़ी जेठानी का था ऑपरेशन पथरी का। उनके पित्त की थैली में पथरी हो गई थी और उन्होंने करवाया है ऑपरेशन। तो आई हुई हैं हमारी बेटियाँ, मेरे जेठ की बड़ी बेटी आई हुई है, बड़ी और छोटी एक ही है बस उनके पास तो बेबी। तो ये हैं उनके जेठानी की लड़की। तो आपका क्या नाम है बेटा? गोरा नाम है। और स्कूल में क्या बोलते हैं आपको? दीक्षा। हाँ। अच्छा, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं अब तो, है ना? हाँ। अच्छा, और आप कितने दिन रहोगे यहाँ पर? एक महीने। एक महीने रह लोगे? एक हफ्ते की छुट्टी है। अच्छा, मम्मा की याद नहीं आएगी? नहीं आएगी। अच्छा, बारी बारी आप सबका नाम बताओ, घर में कितने मेंबर हैं आपके? अन्नू मम्मा। हाँ। सीता मम्मा। हाँ। और अनु चाचा और अनु डैडी। अनु चाचा, अनु डैडी ने भूल गए। और अब आप कौन सी क्लास में आ गए हो? यूकेजी में। और भाई देव? देव भाई का नहीं पता। देव भाई का नहीं पता? 12th पास करी है भाई ने, है ना? हाँ। और वो दक्ष? दक्ष भाई 10th में होगा। 10th में हो गए, ठीक है। तो आप कहाँ पे आए हुए हो? अपनी अंजू मम्मा के साथ नानी के घर पर, है ना? हाँ। भाई हमारी जिठानी का ऑपरेशन हो चुका है। और ये निशा, मुझे बेबी बिना मतलब फोन क्यों करे? किसी का काम हो तो करे, बिना काम क्यों करे बताइए। सुनिए नहीं, फ्रेंड की जोर में हो रही है। फ्रेंडों ने तो पुचकार रही है, बेटों ने ना पुचकार। फ्रेंड तो फ्रेंड आऊंगी, हाँ बेटी भी आऊंगी, फ्रेंड क्यों आऊंगी? फ्रेंड अपनी जगह, बेटी अपनी जगह। चला दे और के टक पसीना आ जाओगा ना। हां, ये दरवाजा बंद कर ले। तो भाई ये बच्चे चोटी बनाती हुई ले, अब डाल, मैं नानी का। और दक्ष कितने दिन की छुट्टी पड़ी हुई बेटे यहाँ पे? आजा, अभी एक महीने की। एक महीने की? अच्छा, और वो जो कोचिंग चल रही है अच्छी चल रही है? सही। कितने बजे से कितने बजे तक? वो तो अभी तो छुट्टी पड़ी हुई उसकी। अच्छा, नहीं पहले जाते थे जब स्कूल टाइम में? सैटरडे संडे को। अच्छा, कौन सी जगह? पंजाबी बाग। पंजाबी बाग, मेट्रो से जाती? चलो सही, आ रही है समझ में पढ़ाई। चलो वही बढ़िया है, अपने करो। क्लास में आ गए आप? अभी मेरे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ अभी आपका, ठीक। और घर पे सब ठीक हैं? और मामा के कब गए थे? मामा के परसों। परसों रह के नहीं आए? ओए मारो मत बच्चों के, मारो मत। और ये देखिए पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, एडिटिंग कर रहा है, हाँ ब्लॉग की एडिटिंग। क्या नाम आपका? दीक्षा। नाम आपका? दीक्षा बताया का नाम गोरा है, क्या बात है? आप कौन सी क्लास में है? वेरी गुड।
छोरी की दोस्ती की दोस्ती की दोस्ती अबे छोरियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए कभी नहीं करनी जो राइट है वो बार बार की राम राम भाई श्याम श्याम छुट्टी घर आ गए आप पढ़ाई बस मेरे वाली तो मम्मी लाई हुई है कुछ नहीं होता कलयुग में प्रेम बांटना चाहिए प्रेम बांट लो लेकिन मिलता तो नहीं समझ गए किसी से भी आप थोड़ा सा अच्छा बोलोगे ना अगला बहुत अच्छा बोल रहा था समझ गए आधा बोलो प्रेम बांटो बांटो नू कद कहिए नहीं दोस्ती बनाओ कद कहिए नहीं बाहर की अंदर की ठीक है भाई ठीक है राम राम नमस्ते छुट्टी दोस्ती तो चाहिए नहीं आज के टाइम पे अरे वो दोस्ती प्यार भेद ना दे अपना भेद सुनो दे क्या कहते अपना अंदर का भेद नहीं दे मैं क्या हूँ क्योंकि फिर बाद में शिवराते भाई दोस्त जो दोस्त कहाँ का हूँ बुआ कह रही है गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलना नहीं आ रहा बुआ गर्लफ्रेंड क्या है ना बुआ गर्लफ्रेंड के बारे में भेद नहीं देना चाहिए भी कम है भाई दोस्त उसको कह रही है बुआ का तात्पर्य समझो कवि क्या कहना चाहता है दीदी और वो कृष्ण ने बना रखी थी इतनी गर्लफ्रेंड मम्मी गलत 108 रानी थी हाँ वो थी जिसने तो नाम दिया था उनके मजबूरी में राक्षस ले गया था उनने तो इज्जत बोमा से राक्षस ले गया था कौन सा बनाई थी राधा राधा क्यों बनाई थी बोमा से राक्षस था राधा तो वो लड़कियां ठाटा के ले जा रहा था अपने उसमें को फॉर्म भर सिद्धि करने के लिए जुए रोई थी लड़कियां सिद्धि करने के लिए लेकर उन्होंने मारा अरे सेक्स स्लेव थी उनकी हम में गलत काम करने के लिए तो वो रोने लगी फिर वो जाती कहां भी चली हां उन्होंने कहती हम बदनाम हो जाएंगे जाती वे बदनाम हो भी थी वे कहे आऊं कहीं जाते या तो ऊपर पहुंचा दे हमने या अपनी शरण में ले जब उन्होंने उसने ये कहा था कि मैं अपना नाम दूंगा हाँ, और बाकी हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा मैं अपना नाम दूंगा आपको रानी की तरह ट्रीट करा जाएगा और बाकी हमारा कोई रिश्ता नहीं है जो भी है दिखा भी दी थी गलत था सोलह 108 रानी यही तो है और के है वो कांता होगी एक राधा रुक्मणी और अस्थामा ऐसी कुछ नाम था अस्थामा का ये नाम था अस्थामा बिरमा की लड़की थी वो तीन थी उस उम्र में तो उसने उस जन्म में तो उसने वो बनी भी नहीं फिर आगे सुपनखा बनी फिर आगे वो के बनी थी सुपनखा था आगे जी उसकी कहना कृष्ण जी के उसने ब्याह होया था भगवान भी सात जन्म अलग अलग किया मतलब भगवान तो एक ही था अवतार इनके अलग अलग हो गए जैसे राम कृष्ण बिरमा राम एक ही थी अच्छे कर्म करो जितने भी हो अच्छे कर्म करो कौन करते हैं अरे भाई कोई मत करो लगाया पानी का भंडारा लगाया तो चल पड़ा कोई भी मत करो भाई आप करो आज का दशहरे का घना पुण्य था पानी का किसी के अंदर तो भाई ये देखिए ये हमारी भतीजे की बेटी आई है नव्या नाम है नव्या आप कौन सी क्लास में आ गए बेटे एडमिशन हुआ नहीं है और भाई भाई का भी नहीं हुआ कौन सी क्लास में आप कौन सी क्लास आप कहाँ पे रहने लगे आप मुरादाबाद रहने लग गए ओहो और नाना जी कहाँ पे रहते हैं नाना जी वो बाबा बलानी गए थे आप बलानी मेरी बाबा का नाम है चमन प्रकाश और ये है हमारी पोती तानी ठीक है और तानी स्कूल कब खुलेंगे हमारे 1 जुलाई को 1 जुलाई को और बेबी बुआ आ जाएगी आज रुकेगी रात ने के बात होगी थी इनकी किस बात पर लड़ाई होगी थी देवू की किस बात पे पता नहीं वो था उसका पैन कार्ड हाँ वो ऐसे बोलता चीनू तूने फाड़ा तूने फाड़ा हाँ और फाड़ा किसने वो पता नहीं छोटे बच्चों ने फाड़ दिया किसी ने ना पता नहीं उसकी जेब में था वो जेब में ही फट गया पता नहीं
चीनू की जेब में था, चीनू की जेब में था। हाँ फिर तो चीनू पे फिर बस चलो भाई ठीक है ओके गुड नाइट। तो गाइस गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा, रसोई में तो बढ़ने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। और गाइस जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जिठानी का ऑपरेशन होया हुआ है और सभी मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मेरी दोनों ननंदें आई थी बड़ी और एक रात रुकी हैं, वो आज गई हैं, कल आई थी शाम के टाइम 5 बजे और शाम को 5 बजे ही अगले दिन वापस चली गई हैं। तो भाई जैसे जैसे जिसको भी पता चल रहा है वो सभी मिलने के लिए आ रहे हैं, पर गर्मी में क्यों परेशान होते हो, फ़ोन पे ही पता ले लिया करो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आने वाले भी परेशान और भाई यहाँ भी परेशान, इतनी गर्मी है बस पूछो मत बात क्या होगा आगे आगे कितनी गर्मी पड़ेगी देखो। और भाई सब्जी मैंने बनाई नहीं है क्योंकि सुबह बनाई थी मैंने कढ़ी, वही रखी हुई है ये देखिए, तो बच्चे तो खा लेंगे कढ़ी, और पानी देकर गई थी आलू गोभी की सब्जी, तो मैं इसके पापा की रोटियां सेक देती हूँ तो ये तो खाकर सो जाएंगे और बच्चे खाएंगे लेट। और दूध भी हमारा उबल गया है, अब मैं दूध को कर देती हूँ ठंडा, पंखे के नीचे रख देती हूँ और फिर मैं जमाऊँगी इसकी दही, क्योंकि बच्चे दूध नहीं पीते लस्सी पीते हैं दोनों तीनों टाइम, तो मैं सारा दूध जमा देती हूँ और लस्सी बना लेती हूँ सवेरे बर्फ़ वगैरह डालकर, तो गर्मियों में तो लस्सी ही अच्छी लगती है भाई। तो चलिए सेक देती हूँ मैं देव के पापा का खाना, तो देखिए वो बैठे हैं खाने के इंतज़ार में। इस देखिए बेटे इसमें रख दे, देव के पापा लाए थे सुबह ये फलियाँ, ये हैं शायद उड़द की फलियाँ, उड़द की फलियाँ, और इसके पापा बोल रहे थे कि इनकी सब्जी बना देना, पर गाइस इनकी सब्जी नहीं बनती, इनके अंदर से दाल निकलती है उसकी तो सब्जी बन जाएगी पर ये साबुत नहीं बनेंगे ऐसे, तो मैंने सब्जी नहीं बनाई, देखते हैं सुबह क्या बनाते हैं। तो भाई इसके पापा को बहुत शौक़ है खेत के ताज़ा ताज़ा सब्जी तोड़ने में और खाने में, तो ये बोल रहे थे कि इसकी सब्जी जरूर बनाना, पर मैंने बनाई नहीं आज सब्जी इसकी। तो और गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, देखिए हमारे कितने पसीने आ गए हैं, और भाई खाना वगैरह सबने खा लिया है, गौरव ने अभी खाया नहीं है उसका मैंने बना कर रख दिया है, और देव के वापस हो गए थे बहुत जल्दी और हमें भी अब नींद आ रही है क्योंकि बज चुके हैं 11:30, 11:30 का टाइम हो चुका है, इधर देना इसमें रख देना इसने में। तो गाइज आज की व्लॉग हम यहीं पर करते हैं एंड, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइज ओके बाय, गुड नाइट, सी यू सुबह।